कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1939 से, वह साल जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। वाइसरो लॉर्ड लिथगो ने इंडिया के बिहाफ पर भी वॉर डिक्लेयर कर दी बिना किसी इंडियन से कंसल्ट किए। कांग्रेस के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली बात थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कांग्रेस के पास कुछ मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल था, तो उन्होंने इसे इस्तेमाल करके सारे पोजीशन से रिजाइन कर दिया। इन सभी के बीच सुभाष चंद्र बोस अपनी खुद की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, द फॉरवर्ड ब्लॉक। हालांकि ये पार्टी कांग्रेस के बीच से ही निकली थी, लेकिन साल 1914 आते आते कांग्रेस के मुख्य संगठन से इस पार्टी को अलग कर दिया गया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला यह कि सुभाष चंद्र बोस कुछ ज्यादा ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के बन रहे थे, जो कांग्रेस के बाकी लीडरों को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा यह कि नेताजी चाहते थे वर्ल्ड वॉर टू का इस्तेमाल किया जाए इंडिया के बेनिफिट के लिए। नेताजी जल्दी से एक्शन लेना चाहते थे और कांग्रेस से अलग होना इनके लिए एक नेसेसिटी बन गई। जुलाई 1914 नेताजी कोलकाता में एक मार्च लीड कर रहे होते हैं, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में रहकर सुभाष चंद्र बोस जी सरकार की ताकत को चैलेंज करते हैं एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च करके, रिलीज मी और आई शैल रिफ्यूज टू लीव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से सीधी अनाउंसमेंट की जाती है। 1940 he was languishing in prison, so he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast undertaking. देखते देखते उनकी तबीयत खराब होने लगती है और सरकार डिसाइड करती है कि उन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट पर रख दिया जाए। सरकार ये नहीं चाहती थी कि उन पर क्लेम आए अगर बोस जेल में ही मारे जाए तो सरकार ने सोचा जब तक इनका हेल्थ खराब है तब तक इन्हें हाउस अरेस्ट पर ही रखा जाए, जब इनका हेल्थ ठीक होगा तब वापस इन्हें जेल में डाल दें। लेकिन नेताजी अपना एक अलग प्लान रच रहे थे। इनका प्लान था जर्मनी जाना और जर्मन से मदद मांगना ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के, लेकिन जर्मनी तक जाया कैसे जाए। बॉस पंजाब में मौजूद एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं कि क्या कोई तरीका है बॉर्डर पार करके चुपके से जर्मनी जाने का। उन्हें बताया जाता है कि एक तरीका जरूर है, अगर अफगानिस्तान के थ्रू इंटर किया जाए, वहां से सोवियत यूनियन जाया जाए, तो वहां से जर्मनी तक जाया जा सकता है। 16 जनवरी 1941 रात के करीब 1:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, तब नेताजी चुपके से अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने भतीजे सीसर के साथ। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वह एक इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। सीसर के साथ अंधेरे में यह कोलकाता से ड्राइव करते रहते हैं और सुबह 8:30 बजे के करीब यह धनबाद पहुँचते हैं। यहाँ यह एक रात सीसर के भाई अशोक के घर बिताते हैं।